जिला महंगाठारे अभावी धान बिक्री आईन श्रृंखला विपर्यय आदि विभिन्न दाबी नै महंगा ब्लॉक कांग्रेस कमिटी पक्षरु देवेंद्र साहूंक नेतृत्व में प्रतिवाद शोभायात्रा सह गण विक्षोभ अनुष्ठित हो जाइछि। महंगा ब्लॉक कुआपाळठारु गत काली रातिरे एक राली बाहरी तहसील कार्यालय जाए आसिबा परे तहसील कार्यालय सम्मुखरे आयोजित प्रतिवाद सभारे पीसीसीआई सभापति निरंजन पट्टनायक जोग देथिले। केन्द्र एवं राज्य सरकारंकु कृषि मारण नीति सह महंगा विपर्यय आईन श्रृंखला नै तीव्र समालोचना करथिले। एथिसह कटक जिला कांग्रेस कमिटी सभापति मानस चौधरी बड़चणार कांग्रेस नेता अजय सामल प्रमुख जोगदे तेल दर ठारु कृषि विभिन्न समस्या उपरे प्रतिवाद जणाइथिले। एहासह राज्यपाल उद्देश्य रे एक दाबीपत्र महंगा तहसीलदार को प्रदान करथिले। समस्या एवं आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे आज प्रतिवाद सभा कराइथिला। आज तहसीलदार को आम दाबीपत्र देलु एवं तुरंत समाधान करिया पई जो टुकन दिखाई जो मानकर धान उठूनी से बर्तमान मंडी में पड़ी रखिंट जानुरी मसर टैक्स धान बर्तमान सुधा उठीनी आपको जदि नियाजी आम तहसील अफिश आसिक बसबू तहसीलदार द्वार मुहर दा अनशन करूँ जपर्यंत धान न उठी जहाँ को टुकन मिली आम आंदोलन जारी रख। तहसीलदार कहे सात दिन भितर मुझे समाधान करी जो मानक टुकन दिखाई निश्चित भाव में दिज्व धान से उठे आज प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति जब से पालन न करते आम चरम पदक्षेप नबू आप देखिए यही सरकार नवीन बाबू निजे आसेंबली रे रिजोल्यूशन सबू दल नहीं कर 2930 टंकारे चाषी को धान किणा एपर्तंत गोटे टंका भी से ओडिशार चाषी को देना ये सरकार 21 वर्ष भितर आम पड़ोसी राज्य 2500 धान बिकला बेले आम ओडिशा चाषी सी जो 1700-1800 टकर बिकी पार ना टुकन दि जाइए अत से भी धान दे पार ना एवर्ष धान फसल भल होती चाषी मान धान किणा न जाए चाषी मान आर्थिक परिस्थिति आहरी दुखदायक हम कंग्रेस आंदोलन आंदोलन तो करूँ निश्चय आम जनसाधारण आंदोलन करूँ तो क्या करूँ केवल महांगार रही आप प्रथम आसी नी कि कहली पा सारा ओडिशा हम सालेपुर प्रफुल्ल मिश्र रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। बालुगांव गोपीनाथ छक निकट में एक असहाय महिला को बजरंगी दल चिलिका प्रखंड में कार्यकारिता मान उद्धार कर महिला जनक दीर्घ दिन हम खाद्य न खाइबार मूर्छा भाव में गोपीनाथपुर छक निकट में पड़ रही थे। बजरंगी दल कार्यकारिता मान कि खाद्य एवं ओआरएस पा देवापर तुरंत 108 आंबुलांस साहय बालुगांव गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सापी भर्ती कराइले सेठारे तांको अवस्था संकटापूर्ण देखि कार्यकारिता माने बालुगांव पुलिस स्टेशन निकट रे जणाइबा परे बालुगांव पुलिस प्रचेष्टा रे उक्त महिला जनक खोर्धा बड़ मेडिकल को स्थानांतरण करा दैछि। स्थानीय लोकंक पचारि बारे उक्त महिला जनक परिचय शशि बोली जणा पडिथिला। दीर्घ दिन हेबो गोपीनाथपुर छक निकट रे भिक्षावृत्ति करि किछि लोकंक पाखरे काम करि निजर भोको मेंटाइ आसुथिले तांकर एपरि अवस्था रे स्थानीय लोक उपस्थिति न रहिबा एक लज्जार विषय होईछि। खोर्धारु सुधीर कुमार बेहरा रिपोर्ट डी टीवी ओडिया। अल्पके बर्ती जाइछन्ती सीआरपीएफ जवान सुनाबेड़ा अभयारण्यर चेरचुआ गाँ वन विभाग कार्यालय ठारे आज 216 बेटालियन सीआरपीएफ जवान घटनास्थल में पहुंची एक जीवंत बोमा ठाब करने सह बहु विस्फोरक उद्धार कर बोमा निष्क्रिय दल घटनास्थल में पहुंची बोमा को निष्क्रिय करने 216 बेटालियन सीआरपीएफ कमांडो राजेश बेस्त कहते कि यह रास्तु सुनाबेड़ा मुख्य रास्ता दे संजोग करथिबा ए रास्ता को बहु लोक जीवा सेवा करथांती तेणु यह एक बड़ धरण घटना को एड़ाइ दिया जाइछि। वर्तमान कंपी ऑपरेशन को जोरदार करा दैछि बोली 216 बेटालियन सीआरपीएफ कमांडो राजेश बेस्त कहिछंती। तो हमने इमीडिएटली अपनी जो हमारी कंपनी बरकोट में रहती है उनके ट्रूप्स को डायरेक्ट किया तो सीधा जाके स्पॉट पे पहुंचे। तो स्पॉट पे थोड़ा सा हमें ऐसा लगा कि कुछ आईडी या कुछ इस तरह का बम वगैरह लगाने का खतरा हो सकता है तो इमीडिएटली पूरे एरिया को सील किया गया जिससे किसी सिविलियन या किसी को और को नुकसान ना हो। जानवर वगैरह भी वहाँ पे मवेशी वगैरह भी घूमते रहते हैं तो पूरा एरिया एकदम सील किया गया और हमारे पास PDD स्क्वाड होती है जो IDs और बम वगैरह को डिटेक्ट करती है तो इमीडिएटली उनको यहाँ पे भेजा गया।
भेजने के बाद पूरा एरिया को सर्च किया गया। सफाई डॉग है हमारे पास, स्निफर भी है और हमारे पास ट्रैकर भी है, तो स्निफर डॉग की मदद से पूरा एरिया सैनिटाइज किया गया, देखा गया। तो एक जगह पर्टिकुलर स्पॉट पे थोड़ा ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई आईडी या कोई बारूद या इस तरह की चीज़ें वहाँ छुपी हो सकती हैं, तो उस एरिया को ढंग से देखा गया, तार वगैरह वहाँ पे मिले, जिससे ऐसा लगता है कि गत रात को कुछ अंशवाजिक तत्व जिसमें नक्सल भी हो सकते हैं, उन्होंने उस एरिए में एक आईडी लगाया था, जो कि फॉरेस्ट गेट और रोड के एकदम पास में है। जो ये रोड है ये बड़ी कॉमन रोड है, क्योंकि जो भी गांव ऊपर सोनाबेड़ा और जामगांव और देवशील जो भी जितने भी गांव हैं उनके लिए एक ही रास्ता है, जो इसी रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ इस रोड पर अभी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रहा है, तो बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रैक्टर है और ट्रक हैं और वो भी अभी सामान वगैरह लोडिंग अनलोडिंग के लिए जा रहे हैं, तो कोई भी बड़ा खतरा हो सकता था। अच्छा हुआ कि टाइम रहते ये डिटेक्ट हो गया और हमने फिर उस आईडी को वहीं पे एट द स्पॉट उसको ब्लास्ट कर दिया। आईडी करीब 15 से 20 केजी की लगती है, क्योंकि वो तो टच नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते हैं, और उसको वहीं ब्लास्ट कर देना ही ठीक रहता है, क्योंकि उसमें कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे किसी प्रकार का खतरा बढ़ सकता है। तो उसको वहीं पर ब्लास्ट किया गया। अभी भी हमारा सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और ये लगातार 3-4 दिन चलेगा, जिससे कि कोई आगे और भी खतरा ऐसा हो तो जिसको हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। नुआपड़ारू नोटो आडबम का रिपोर्ट, डीटीपी ओडिया। कोविड नियम खिलाफ करिबारु एक्शन मोड रे जिला प्रशासन, सील हेला 5 दुकान, सामाजिक दूरता मास्क परिधान नहीं कटकणा जारी करथिया बेले एहाको खिलाफ करिबारु दुकान को सील करे सचेतनार वार्ता देइछन्ति जिला पुलिस। तेबे आगको एभली कार्य जारी रहिबो बोली कहिछन्ति बारीपदा टाउन थाना अधिकारी। राज्य सरकार को कोविड को रोकिबा पई बारंबार समस्ते नियम मानिबा को निवेदन करथिबा बेले अमानिया को सीधा सळको एही नियम खिलाफ करुछन्ति, एहाकु नै पुलिस तत्पर होई उठिछि। आगको एही पनिशमेंट को कड़ाकड़ी करा जियो बोली बारीपदा टाउन थाना अधिकारी सूचना देइछन्ती। देखंतु मानवर राज्य सरकार जो नुआ निर्देश आसी आपनकर कोविड हमर महाराष्ट्र जेंती कोविड संक्रमण बेसी बढ़ी नुआ स्ट्रेन रो जो भाइरस आतंक समस्त खेले दीची, तेणु सतर्कतामूलक पदक्षेप हिसाब से आम सोशल डिस्टेंसिंग आउ मास्क यूज पर बहुत गुरुत्व आरोप कर राज्य सरकार और आम प्राधान्य दूचु। यही परिप्रेक्षी में आमर 5 दुकान आज आम सिल कर आगामी दिन में कार्यक्रम जारी रहा आम समस्त आपम अनुरोध करूँ जो आम उद्देश्य नुहे कौन दुकान बंद करवा का बिजनेस हानि करवा आम उद्देश्य हूँ लोक मूँ करोना को दूरे रखा आउ तेणु सतर्क समस्त रहा अनुरोध करुँ मास्क व्यवहार कर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने अनुरोध कर। संजीव कुमार रंजित का रिपोर्ट, डीटीवी ओडिया। कटक रे आज संध्या 7 समय रे स्थानीय बारावटी स्टेडियम हॉर्स गेट पाखरे कटक शहर तैल वैश्य अग्नि उत्सव कमिटी तरफ रु अग्नि महोत्सव 2021 कोविड महामारी सरकार को कटकणा को सम्मान जणै अति निडंबर भावे आवाहक श्रीयुक्त राजेन्द्र साहू को पुरोहित अनुषित होई जायछि। एही सभा को रुचि परिवार मैनेजिंग डायरेक्टर श्री शरद कुमार साहू उपस्थित थिले। कला क्षेत्र रे आम जातिर चलित वर्ष पद्म भूषित श्रीयुक्त को सुदर्शन साहू को साधव रत्न उपाधि रे सम्मान करा दैथिला एवं प्रदीप प्रज्वल करी शुभ उद्घाटन करथिले। व्यावसायिक क्षेत्र रे प्रतिष्ठा लाभ करथिबा मंगलवार निवासी सुरेश साहू को साधव श्री उपाधि रे भूषित करा दैथिला। श्रीमान सोमनाथ साहू को साधव शाश्वत उपाधि रे भूषित करा दैथिला। एही अग्नि उत्सव को जातीय स्तर रे परिचित करिया पई उद्योगपति शरद साहू समस्त जातीय शपथ नवा को वार्ता दैथिले। उक्त सभा को प्रदीप्त कुमार साहू परिचालना करथिले। मधुसूदन साहू, भिकारी साहू, ममता साहू, मीना साहू, फकीर साहू, जगन्नाथ साहू प्रमुख उपस्थिति रही महोत्सव को सफल करथिले। शिल्पी मान को उद्देश्य रे कहिबी ए जातिर लोक मान तो शिल्पी हवा को चाहिबेनी कने माने महाजन महाजन कहिले तार अर्थ भी बहुत बड़ महान जन को महाजन कहा जाए। आमर भी जो जमी बाड़ी घर द्वार अच्छी गोटे 15 किलोमीटर दूर रे प्राय 50 एकर जमी भी बर्तमान अच्छी आउ तो भेस्ट होगा बापा से भेस्ट है ब्रेन पारालीसीस चलीगले आम दांडर भिकारी भाया हो जो संपत्ति रहीगला अन्न मान ना से अधे दे अधे आणलु से आम आगेलु धीरे धीरे से जमी की बिक्री कलु बर्तमान भी किसी अच्छी किंतु जमी आउ कहीं चाष करूना जमी भी चाष करेनि मोर दी पु यही कार्य अच्छा किंतु आग को मो नाती नातुणी नहांती मु कहिबिनि जे आपण को पिला माने एही कलाकार भास्कर्य करंतु मु कहिबारिनि ए समाज रे किछि
प्रतिष्ठित जिनस करूँ जो थे कि शहे लोक आम जातिर जड़े लोक पाखे चाकरी कर जय जगन्नाथ। कटकु एमडीजी जावेद को रिपोर्ट डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पाई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।